देखिए हम लोगों का गाने बजाने का काम, जैसे सबका अपना अपना काम है, कोई कोई मैकेनिक है, कोई ठेकेदार है, कोई व्यापारी है, कोई किराने की दुकान है, कोई अध्यापक है, सबका जीवन चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए सबका अपना अपना काम है, अपना अपना कार्य है। हमको हर रात कहीं ना कहीं गाना होता है। जैसे कल मैं वहां वासुदेव जी महाराज के वहां पर चंडावल में था, बर के पास में, आज यहां पर हूं, कल और कहीं जाऊंगा। आप सभी लोग आए हो तो मैं चाहता हूं कि एक इस भजन की आदि लें, मेरे लिए नहीं, गुरु के लिए। आप सभी लोग मेरे साथ में सिर्फ आदि लेन गाएंगे, ठीक है? पीछे वाले कितने लोग नहीं गाएंगे, हाथ खड़ा करके बताएं एक बार। एक दो जड़ा रहा हाथ उपर होगा, मतलब सुनने से पहले उन्होंने प्रतिक्रिया दे दी, पहले सुना जाता फिर प्रतिक्रिया होती, उन्होंने सुना नहीं इससे पहले हंसा। तो मैं चाहता हूं सिर्फ आदि लेन आप सभी लोगों ने गुरु महाराज ने चरणों में गानी है, और उसके लिए थोड़ा सा आपको मन बनाना पड़ेगा। आप लोग अपने हाथों को उठाइएगा, मीठी मीठी ताली बजाइएगा, और एक बार मेरे साथ में सभी लोग गाइएगा, दोनों हाथों को उठा ले एक बार, सीधे सीधे खड़े गुरु महाराज के चरणों में, किसी का भी हाथ नीचे नहीं होगा। दादी जाबू रे गुना बलिहारी जाबू रे, आगे वाले लोगों गया, कई लोग विचार करता रह गया, विचार विचार में भाई साहब मौको एक मिनट हाथ नीचे करो, आंधे आदमी वाली बात है भाई साहब, इसको बेस करो, आंधो आदमी एक मोटे कमरे में बंद हो गया, कोई बड़ा हॉल था आंधो थो, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे पहले तो वो दीवार के पास में गया, और वो दीवार ने हाथ लगाना शुरू किया, दीवार ने हाथ लगा तो आगे बढ़ना शुरू हो, जट दरवाजो आई उठे हाथ लगा और पतो लाग दे गया दरवाजो में बाहर निकल गया। अब वो देखिए हॉल में घूम रहा है, दीवार ने सारे हाथ लगा तो आगे बढ़ रहे हो कि दरवाजो चटे आवे बटे मन पतो लाग जाए कि दरवाजो हटे। भाई साहब जैसे दरवाजो आयो, और जैसे दरवाजो आयो उन्हें माथे में आई खाज, हाथ उठी ने लगाने की जगह ले गयो हटे, दरवाजो रह गयो लारे, फिर उसी चक्कर में लग गया। तो मित्रों ये कई बार ये बारी है जीवन में, गुरु महाराज क्या है, गुरु महाराज की कृपा पाना ये पारी है, उस बारी से आपको इस दुनिया में इस दुनिया की मोह माया से निकलकर आपका जो मन, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ जितना भी सत्संगी लोग बैठा है, ये एक हिंदी में शब्द है द्विज, संस्कृत में हमारे महाराज जी संस्कृत के बड़े विद्वान है, संस्कृत में एक शब्द है द्विज, द्विज यानी दो बार जन्म लेना, आपका हमारा एक बार जन्म हुआ, लेकिन द्विज जिसको कहा जाता है जो दो बार, जैसे अंडा है तो पहले अंडा जन्मता है फिर उसके बाद में से उस अंडे में से पक्षी का जन्म होता है, तो मित्रों मनुष्य को भी द्विज कहा गया। आप लोग सोच रहे होंगे हमारा जन्म तो एक बार हुआ फिर हमको द्विज क्यों कहा गया, तो एक बार तो हमने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया, लेकिन जब बड़े हो गए तो एक बार वो तो हमारा सांसारिक जन्म हुआ, लेकिन एक बार गुरु की कृपा से जब गुरु के वचन हमको मिले, गुरु मंत्र जब हमें मिला, तो हमारा आध्यात्मिक एक और जन्म हुआ, और वो आध्यात्मिक जन्म होना जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक जन्म नहीं हुआ तो फिर वो मनुष्य और जानवर में कोई फर्क नहीं रहे। मैं चाहता हूं जितने भी लोग मेरी बात को बहुत ठीक से समझ रहे हैं, एक बार अपनी जिभ्या को पवित्र करते हुए गुरु महाराज के आगमन का आप लोग सभी लोग अभिवादन करते हैं, और दोनों हाथों को उठाकर इस बार कोई नहीं चूकेगा, इस पूरे पंडाल में आप लोगों की आवाज गूंजनी चाहिए। अरे बाजी जाबू रे गुना बलिहारी जाबू रे, बाधी जाबू रे गुना बलिहारी जाबू रे, बोलो इमार सतगुरु आंगन आया रे बाधी जाबू रे, सतगुरु आंगन आया मे बाधी जाबू रे, मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पारगम गुरु भगवन,
गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पारगम गुरु भगवान सत्संग बन गई भारी हे गावो मंगलाचारी सत्संग बन गई भारी हे गावो मंगलाचारी सत्संग बन गई भारी हे गावो मंगलाचारी हे गावो मंगलाचारी हे गावो मंगलाचारी सत्संग बन गई भारी हे गावो मंगलाचारी सत्संग बन गई भारी हे गावो मंगलाचारी मारी खुली हिरे तेरी बारी मैं भारी जाऊं जाऊं रे खुदा फलिहारी जाऊं रे जाबूरे खुदा बलिहारी जाबूरे दास नारायण जस गावे चरणों में शीश नवावे दास नारायण जस गावे चरणों में शीश नवावे मारो तेरे तार लगाओ मे बाबी जाबूरे मारो तेरे मारो तेरे मारो पेड़ पर पार लगाओ मैं बाड़ी जाऊं रे मैं बाड़ी जाऊं रे मैं बाड़ी जाऊं रे बाड़ी जाऊं रे बाड़ी जाऊं रे सभी लोग बोलेंगे अब धीरे धीरे ये रंगत आए कीजिए आदमी का मन ना धीरे धीरे खुलता है सभी लोग बोलेंगे बड़े प्रेम के साथ बोले सत्य गुरुदेव।